नमस्ते, मैं आरती गर्ग। मैं आप लोगों को नवरात्र पूजन बताऊंगी कि नवरात्रों में क्या और कैसे पूजा करनी चाहिए। एकदम ये नवरात्र चैत में आते हैं, बसंत ऋतु के समय। आप शुरू से देखिए, पहले माता रानी का फोटो, नीचे बिछाने के लिए कपड़ा, माता रानी की चुन्नी, कलश, कलश में नारियल, आम के पत्ते, फूल, माता के लिए माला, घी, रोली, चावल, दिया। दिए में आप डेढ़ हाथ की बत्ती डालिए। ये देखिए, ये इतनी करके, और फिर इतनी लाइट बत्ती लीजिए, पतली वाली बत्ती रुई से बनाइए, दिए में रखिए, वो पूरे 9 दिन चलती है। एकदम ऊपर तक घी भर दीजिए, सुपारी, कुंड, मिट्टी डाल के, जौ, गोबर की कंडी रोज जलाने के लिए, अगरबत्ती माता के लगाने के लिए, मेहंदी, चंदन, कौड़ी, धूप, मेवा, कपूर, गंगाजल, माचिस, कलेवा, भोग लगाने के लिए बतासे। डेली के लिए अलग अलग मीठा होता है माता के लिए। एकदम खीर, पहले दिन तो माता का भोग खीर से ही लगता है। एकदम और शुभ मुहूर्त सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक। पहले माता को गंगा जल से नहलाइए, तिलक लगाइए, फूल चढ़ाइए, माला पहनाइए, चुन्नी पहनाइए। एकदम फिर कलश रखिए, कलश में नारियल, नारियल में लाल कपड़ा लपेटिए, लोटे पे सतिया बनाइए, दिए में रोली लगाइए, कुंड पे रोली लगाइए, अंदर मिट्टी भरिए और जौ बोइए, उसमें पानी छिड़किए, 3 दिन तक उसको ढका रखिए, 3रे दिन वो जौ अपने आप उग जाते हैं। एकदम फिर रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। एकदम अब भी आप लोग फिर से लिखिए, माता रानी का फोटो, गंगाजल, चावल, घी, बत्ती, मेवा, बतासे, सुपारी, चंदन, रोली, कलेवा, कौड़ी, धूप, फूल, रुई बत्ती के लिए, दिया, कपड़ा, चुन्नी, नारियल, लोटा, कपूर, माचिस, माता का कुंड, जौ, ये रोज जलाने के लिए गोबर की कंडी, मेहंदी माता की, और ये धूप, ये सब चीज़ें पूजा में होती है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको ये थाली पूजा की कैसी लगी आप ज़रूर लिखिए।